हेलो एवरीवन, रशिया जिस तरह से यूक्रेन से युद्ध कर रहा है उसके कारण वो दुनिया से छितर बितर हो चुका है। कई सारी बड़ी बड़ी ब्रांड अपने प्रोडक्ट को रशिया में बेचने से मना कर चुकी हैं, जैसे कि कोको कोला, पेप्सिको और बहुत सारी ब्रांड हैं जो रशिया में अपने प्रोडक्ट को बेचने से मना कर चुकी हैं। बहुत सारे बड़े बड़े ऐप रशिया को बैन कर चुके हैं, अब रशिया में यूज नहीं होंगे वो सारे ऐप। और बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है वो रशिया से आयात निर्यात करने पे बैन लगा चुकी है, जैसे कि अमेरिका ने कहा है कि वो तेल और तेल के प्रोडक्ट रशिया से अब नहीं आयात करेगा, अब रशिया से नहीं खरीदेगा। और जापान ने कहा है कि तेल जिससे रिफाइन होते हैं वो सारे संयंत्र अब रशिया को वो नहीं बेचेगा। और ये सारे संयंत्र सभी कंट्री नहीं बना सकती, क्योंकि इसमें बहुत इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है, जो कोई स्पेशल कंट्री ही इन संयंत्रों को बना सकता है। तो गाइस, इस तरह से दुनिया एक तरफ हो चुकी है, रशिया एक तरफ हो चुका है। फिर भी दुनिया में अभी 9 कंट्रीज हैं जो रशिया के साथ खड़े हुए हैं। पहली कंट्री है बेलारूस। बेलारूस ना सिर्फ अपनी ज़मीनी बॉर्डर साझा करता है रशिया के साथ, बल्कि इसके इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। बेलारूस अपने 48% व्यापार रशिया के साथ ही करता है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के अगेंस्ट जब बेलारूस में आवाज़ें उठने लगी थी तो उसको दबाने में मदद रशिया ने काफ़ी की थी। और दूसरी सपोर्टिंग कंट्री है सीरिया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के अगेंस्ट युद्ध अपराध और रासायनिक हथियारों को इस्तेमाल के कारण उनके अगेंस्ट मुकदमा चल रहा है, और इन आरोपों को रशिया जो है झूठा बतलाता आया है। इस वजह से रशिया और सीरिया के राष्ट्रपति के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। सीरिया का कहना है कि ये जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रशिया बार के जो हो रहा है, इससे इतिहास क्या होगा, सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। तीसरा सपोर्टिंग देश है क्यूबा। क्यूबा का कहना है कि ये जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया बार जो चल रहा है, उसके जिम्मेदार हैं अमेरिका सहित नाटो के सभी सदस्य देश, उनकी वजह से ये युद्ध हो रहा है। चौथा सपोर्टिंग देश है म्यांमार। म्यांमार में सेना द्वारा तख्ता पलट हो चुका है, और म्यांमार के सेना अध्यक्ष जॉन मिन तुन का कहना है कि रशिया ने उनकी संप्रभुता की रक्षा करने में बहुत मदद की है और वो हर हाल में रशिया के साथ खड़े हैं। और पाँचवा सपोर्टिंग देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, एक टाइम था जो वो आर्थिक तंगी से बुरी तरह से गुजर रहे थे, और इनकी हेल्प सीधे तौर पे रशिया ने की थी, और इनकी हेल्प ही नहीं की थी बल्कि इन्हें राष्ट्रपति चुनाव में इन्हें जिताने के लिए हर संभव प्रयास किया था। रशिया वेनेजुएला में कमर्शियल फील्ड को बढ़ावा देने में भी हेल्प कर रहा है, और वेनेजुएला और रशिया के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज भी होते हैं। छठा सपोर्टर देश है चाइना। चाइना और रशिया के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, और चाइना ने सीधे तौर पे रशिया का विरोध अभी तक नहीं किया है। इससे पता चलता है कि चाइना जो सपोर्टर है रशिया का। सातवां सपोर्टिंग देश है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि पश्चिमी देश अपने वर्चस्व हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए रशिया जो युद्ध कर रहा है वो उसका युद्ध करना सही है। आठवां सपोर्टिंग देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान रशिया का सपोर्टर है, हम लोग इससे जान सकते हैं। जब युद्ध शुरू हुआ था तब युद्ध के दौरान पाकिस्तान के जो पीएम है इमरान खान, राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए युद्ध के दौरान ही चले गए थे। इसे पता चलता है कि पाकिस्तान जो है रशिया का सपोर्टर है। सपोर्टर देश है सर्बिया। सर्बिया ने संतुलित अंदाज में शांति की अपील की है। तो गाइस, हम लोग ने जाना कि कौन कौन से देश हैं जो अभी भी रशिया के सपोर्ट में बने हुए हैं। बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना है कि यह युद्ध कितना लंबी चलेगी, रशिया का जो आर्थिक स्थिति है वो बेपटरी होती जाएगी, और इसके सपोर्टर देश जो इस पर डिपेंड करते हैं उसके हालत भी ख़राब होंगे। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और मुझे इंस्पायर करने के लिए कमेंट भी करें, ताकि मैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए बनाऊं। और बनाने के लिए मुझे इंस्पायर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए इंस्पायर होना ज़रूरी है। तब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पापा।